भगवान जी को किस नाम को लेकर के लड़ लड़ाते हैं। किस नाम को लेकर के बाबा अपने भगवान जी को भोजन इत्यादि ग्रहण कराते हैं। पूछिए ना पुत्री, इसीलिए तो मैं कहीं लेके नहीं जाती हूँ। अभी ना तुमने अपना बचपना दिखाना पैरा कर दिया। बस एक बार, कही माताराम, मैं प्रणाम करती हूँ आपको। हाँ कहिए। मैं इस राज्य की राजमाता हूँ। ये जो कन्या आप देख रहे हैं मेरी पुत्री है, उसका नाम मीरा है। आपके पास में जो ठाकुर जी की प्रतिमा रखी हुई है बड़ी खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, मेरी पुत्री को बड़ी अच्छी लगी है, वो उनका नाम जानना चाहती है। सुंदर तो ये इनसे ज्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता है। जिन्होंने इतनी सुंदर दुनिया बना दी, भला उनसे सुंदर कोई हो सकता है। प्रथम तुमने नाम पूछा है, देखो इनके नाम अनेक अनुपम, इनके नामों का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। वैसे इन्हें ब्रज में कोई माखन चोर कहता है, कोई मुरली मनोहर कहता है, कोई चीर चोर कहता है, कोई चित चोर कहता है, कोई कालिया कृष्ण कहता है, कोई रणछोड़ कहता है, नाना प्रकार से पुकारते हैं। परंतु मैं इन्हें गिरधर गोपाल के नाम से पुकारता हूँ देवी। बड़ा सुंदर नाम है मेरा। संत भगवान के जो ठाकुर हैं वो उन्हें गिरधर गोपाल के नाम से पुकारते हैं। गोपाल ये नाम तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ऐसा लगता है इस नाम को कहीं तो मैंने सुना है, परंतु कहां मुझे याद ही नहीं आ रहा है। माँ माँ आप बाबा से ये और पूछिए कि जो बाबा के ठाकुर जी हैं इनका नाम गिरधर गोपाल कैसे पड़ा, उन्होंने ऐसी कोई सी लीला की। कहिए माताराम। कष्ट के लिए क्षमा चाहती हूँ पुत्री, ये और जानना चाहती हूँ कि इनका नाम गिरधर गोपाल कैसे पड़ा, इन्होंने ऐसी कौन सी ब्रज मंडल में लीला की थी जो कि भक्तों ने इन्हें गिरधर गोपाल कहकर के बुलाया। धन्य है माताराम, तुम्हारे लिए और तुम्हारी पुत्री के लिए रही बात कष्ट के। यदि संत के मन में कष्ट आने लग गया तो उसका जीवन ही क्या है, क्योंकि हमारा जीवन तो जन कल्याण के लिए होता है। माताराम बैठिए, इतनी सुंदर बात है। देखो यही तो जीवन में उतारने की बातें हैं कि बिन सत्संग विवेकन होई राम कथा बिन सुलभन सोई। जब तक हम सत्संग नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, पहले आता है नाम, नाम रूप लीला तीर्थ धाम, भगवान के नाम को जानने की जिज्ञासा करना, नाम फिर भगवान के रूप का वर्णन करना, फिर भगवान की लीलाओं को देखना, उनके तीर्थ स्थलों पर जाना, यही तो मनुष्य का एक जीवन होता है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरापुरी में कंस के कारागृह में हुआ और अपनी बाल लीलाएं करने के लिए वो गोकुल गांव में आए। उन्होंने सारे ब्रजमंडल में अनेकों बाल लीलाएं की। कार्तिक शुद्ध की जो प्रवाह आती है उस दिन देवराज की पूजा सारे ब्रजमंडल में हुआ करती थी। कार्तिक शुद्ध प्रवाह तब हुई इंद्र पूजे सबके, सारे ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे। ठीक वही दिन था, मैया यशोदा बड़े सुंदर पकवान मिष्ठान अपने घर में बना रही थी और कन्हैया बालक थी, तो कहीं से खेलते हुए आए और देखा मैया बड़े बड़े सुंदर पकवान मिष्ठान बना रही है। उन्होंने कहा मैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाने के लिए भोजन दो। मैया ने कहा नहीं लाला, आज देवराज इंद्र की जय जय है, जय जय। लाला ने कहा मैया जब देवराज इंद्र की तुम पूजा करते हो क्या तुमने उन्हें देखा है, क्या तुम्हारा वो भोग लगाने के लिए आते हैं। मैया ने कहा नहीं लाला, हमने देखा नहीं है पर हम उनकी पूजा करते हैं, तो बड़े प्रसन्न होते हैं। जब प्रसन्न होते हैं तो गौरों के लिए तण और मनुष्यों के लिए अनाज पैदा होता है, जिससे हमारा ये सारा ब्रज प्रदेश हरा भरा रहता है। तो
तो लाला ने बड़ा ही हट किया कि आज से देवराजेंद्र की पूजा नहीं होगी, आज से मेरे देवता की पूजा होगी। जो ब्रजमंडल का सच्चा देवता है उसका नाम है गिरिराज महाराज। समय समय पर मेरी उसने सहायता की है। लाला ने बड़ी हद की। नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों को ग्वालों को बुलाकर के गोष्ठी की। लाला की बात से सभी सहमत हुए और सभी ब्रजवासी सामग्री लेकर के चल देते हैं गिरिराज महाराज पर, गिरिराज महाराज को मनाने के लिए। और ब्रजवासी ऐसे मोटरी में दे देते हैं गिरिराज महाराज। तो गिरिराज महाराज को मना रहे हैं, ब्रजवासी कैसे मना रहे हैं भाई? मैं तो गोवर्धन को जानती नाम में और सात रात ब्रजमंडल पर घोर बारिश होने लगी। चाहे काय सारे ब्रजवासी कह रहे हैं कन्हैया तेरे कहने पर हमने इंद्र देव को नहीं पूजकर इस गिरिराज पर्वत को पूजा है, हमारी सहायता करो, हमारी रक्षा करो। कन्हैया ने कहा घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेरा गिरिराज महाराज सच्चा देवता है, अवश्य सहायता करेगा। कन्हैया ने उस सात कोस के गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठ कामुली पर धारण कर लिया। सात वर्ष के कन्हैया, सात वर्ष का ही गिरिराज पर्वत, सात दिन और सात रात घोर बारिश सारे ब्रजमंडल पर हुई। सात दिन में ही हमारा जीवन मरण होता है, सात दिन का बड़ा ही महत्व है। तो उधर बचपन में कन्हैया गाय चराती थी, उन्हें कहते थे गोपाल। उन्होंने जब इस कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किया तो मैं इन दोनों नामों को मिलाकर के इनका नाम रख दिया गिरधर गोपाल। इस प्रकार से इनका नाम गिरधर गोपाल पड़ा। ये तो वही गिरधर गोपाल है जिन्होंने मेरे पूर्व जन्म में मुझसे कहा था कि श्यामा मैं इस समय तुझे प्राप्त नहीं हो सकता, आगे तुम मीरा के नाम से जानी जाएगी, उस समय मैं तुझे प्राप्त हूँगा। तो क्या गिरधर गोपाल आप आ गए? नाम कानों में आते ही याद आ गई ये सुप्रीतम की, मैं हजारों वर्ष की बिछड़ी बेला हूँ अपने प्रीतम की। माँ माँ मेरी जननी दिला दो रास रस गिरधर,
यही है प्राण मीरा का जो बाबा का साहब लाकर था। माँ ये जगह गोपाल तो मेरे हैं, माँ मेरे हैं। आप बाबा से कह करके मेरे गठन को मुझे मिला दो माँ। कैसी रखी ये कैसा बचपना है। पहले तुमने कहा कि संत भगवान से मैं ये पूछूं कि वह अपने ठाकुर को किस नाम से बुलाते हैं। फिर कहा कि मैं ये पूछूं कि इनका नाम माइनस में है। गोपाल कैसे पड़ा। अब कहती हूँ कि संत भगवान ये ठाकुर तुम्हें दे रहे। हाँ माँ, अरे वो कोई खेलने का खिलौना नहीं है मेरा। उनके जीवन धन्य है, प्राण धन्य है, हैं किसी दास दासी को भूल करके तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर खिलौने लगा देंगे। चलो घर के तुम तो वृद्ध हो ना, वो इसकी अभी बालावस्था। देखो ये हमारे रिश्ते हैं, इनके लिए हमने घर परिवार सभी संपत्ति सब खो दिया। इन्हीं के सहारे तो हमारी जीवन निर्या चल रही है। बीवी इन्हें हम नहीं दे सकते। नहीं बाबा, आप ऐसा न बोले। बाबा मैं आपके आगे हाथ जोड़ते हूँ, मैं अपना ये आंचल आपके आगे फैलाते हूँ। बाबा आप मुझे एक भिखारी सम्मान करके अपने गिरधर गोपाल को मुझे भीख में दे दो। बाबा मैं गिरधर के बगैर जी नहीं सकती। बाबा नहीं जी सकती। तू ये क्या कर रही है पुत्री। मैं तेरे भावों की कदर करता हूँ। गिरधर गोपाल तेरे नहीं मेरे, परंतु मैं तेरे भावों को समझ रहा हूँ। तेरा भाव गिरधर के प्रति अमर रहा है। ये संत तुझे आशीर्वाद दे सकता है, परंतु ये गिरधर गोपाल नहीं दे सकता। पुत्री तुझे पाना चाहती है ना, तो इसकी इतनी भक्ति कर, इतनी भक्ति कर, स्वयं गिरधर गोपाल तेरे पास चल करके आए। पुत्री मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, इसके रास्ते में चलना कोई सहज नहीं। बड़े बड़े जंगल कटीले पथरीले रास्तों पर चलना पड़ता है। पहले तुझे रास्ते अज्ञान मिलेंगे, दुख दर्द के मारे इंसान मिलेंगे, कहीं संत मिलेंगे, कहीं शैतान मिलेंगे, बड़े बड़े जंगल बड़े बड़े वीरान मिलेंगे। मुद्दत के बाद मीरा तुझे भगवान मिलेंगे। पुत्री ये संत का आशीर्वाद है, परंतु मैं इन्हें नहीं दे सकता। नहीं मैं जानती हूँ गिरधर, जो बाबा बोल रहे हैं मुख तो उनका है, परंतु जो वाक्य निकल रहे हैं वो आपके हैं, आपके। परंतु गिरधर जब आपको मेरे पास आना नहीं था तो मुझसे क्यों कहा था। मैं तो आपकी कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ। परंतु सुनिए गिरधर, यदि आप अपनी हटके हटीले हैं तो मैं भी अपनी हटकी हटीली हूँ। आप मेरे पास आना नहीं चाहते ना, तो ठीक है गिरधर, ठीक है, मैं आपको अपने पास बुलाकर ही रहूंगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ, परंतु जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप अपने श्रवण खोल करके सुन लेना गिरधर। ऐसा नहीं है गिरधर कि मैंने आपको ढूंढा नहीं। सच कहती हूँ गिरधर, मैंने आपको हर जगह ढूंढा, परंतु तो आप मुझे कहीं प्राप्त नहीं हुए। मैं जब पता पाने चली थी तब पता तेरा नहीं, अब पता तेरा चल गया तो अब पता मेरा नहीं। ये छान गिरे तो थमे तुमरी, आसमान गिरे तो थमे कहो कैसे। अरे नाव चले गहरे जल में, बिन केवट पार लगे कहो कैसे। मेरे नैन लड़ी या किधर थे, अब नैन सो नैन मिले कहो कैसे। गिरधर मैं आपके सामने एक प्रण ले रही हूँ। तेरे बनवारी बिहारी गिरधारी लाल, तेरे वियोग में जोगन बनूंगी मैं, खासी खवासी में बनू तेरी दासी। ओ श्याम ब्रज के वासी सबके वो
कहूंगी मैं, अब लो जो बीती वो चुप चुप के प्रीति, अब छान जग लीती तेरे चरण कहूंगी मैं। नहीं तो जान प्यारे बहन मान ले तुम्हारे, दो दिना में ना पधारे तो प्राण त्याग दूंगी मैं। फिर उधर आप जब तक मेरे पास नहीं आएंगे मैं अन्न जल कुछ नहीं खाऊंगी। ये अभी बालक है, अबोध है, कुछ नहीं जानती है, परंतु रामदास ये कुछ चार हट तो होती है दुनिया में, बाल हट, प्रिय हट, राज हट और योगी हट। वो राज घराने से संबंधित है और वो प्रिय भी है और उसकी बाल्य अवस्था भी है, उधर तीन हट है और इधर योगी अकेला है, इसलिए ऐसा ना हो